दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल देवबाणी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम दोस्तों। मूर्खों का गांव भाग दो। एक गुरुजी गांव गए। गांव में सो एक नया नया चेला बना। हमको भी चेला बनाओ। और बनने के बाद बोला, आप गुरु और मैं चेला, अब कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा, राम राम किया करो। बोला, ये तो साधारण बात है, कुछ ऊंचा। गुरु जी ने मन ही मन सोचा, चेला नहीं गुरु है मिला है। कई चेले सचमुच गुरु ही होते हैं। कुछ ऊंचा। गुरु जी ने कहा, रामचरित मानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब आती है, कुछ ऊंचा गुरु जी। तब गुरु जी ने कहा, गीता। तो बोला, हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरु जी बोले, आज गीता का महत्व बताऊंगा, गीता कल। और महात्मा ने श्लोक सुनाया, सर्वो उपनिषद्गागो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद गाय हैं और दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण जी। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया तो चेला बीच बीच में कहे, आह आह महाराज, क्या बात कही है, वाह वाह क्या बात कही है। गुरु जी का यह सुन उत्साह और बढ़ गया। गुरु जी ने और सुनाया, 1 घंटे बाद गुरु जी बोले, बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला, हमें समझ में ना आए, हमें आप कम समझाते हो, हम ज़्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा, हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें, लेकिन चलो, गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत ही बचा लो, कुछ पूछ ही लो। तो बोला, और तो एक एक अक्षर समझ में आ गया गुरुजी, केवल एक बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले, कौन सी? तो बोला, आप बोले दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे? गुरु जी ने माथे पे हाथ पीटा और बोले, क्या समझ है। चेला बोला, गुरु जी जवाब नहीं दिया, ये दो गधा कौन थे? सो गुरु जी बोले, एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनी एक न देखा। जय श्री राम। दोस्तों, अगर ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।